अगर गलवान में चीन ने हिमाकत नहीं की होती तो आज चीन हंसते खेलते दिन बिता रहा होता। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार चीन ने अब तक की सबसे बड़ी भूल कर दी है, जिसकी सजा अब उसको जीवन भर भुगतनी पड़ेगी। दरअसल गलवान की वजह से भारत को चीन के ऊपर सख्त रणनीतिक और आर्थिक फैसले लेने का बहाना दे दिया है, और देश की मोदी सरकार ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया है कि चीन आज अपना माथा हर दीवार पर पटक रहा है, क्योंकि यहां भारत ने चाइनीज ऐप से लेकर चाइनीज निवेश, चाइनीज सामान की घर वापसी का रास्ता दिखा दिया है, और इससे चीन को भारी भरकम नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल चीन को भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करने का नुकसान कितना हो रहा है, इसके आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने कारोबार पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है। इसके चलते चीन को भारत को सामान बेचने से होने वाली आमदनी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर केवल 9 महीने के आंकड़ों को ही देखा जाए तो चीन को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। चीन का भारत को निर्यात इस साल के जनवरी से नवंबर तक यानी कि 11 महीने में 13% घट गया है। यह आंकड़े चीन के सीमा शुल्क विभाग के सोमवार को जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत का चीन को निर्यात इस समान अवधि में करीब 16% बढ़ चुका है। इस प्रकार जहां चीन को तगड़ा झटका लगा है, वहीं भारत के लिए स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। यहां हम आपको बता दें कि भारत का चीन से व्यापार घाटा इस अवधि के दौरान $40 अरब का रहा है, हालांकि इससे पूर्व वित्त वर्ष में यानी कि 2019 में यह $60 अरब का था। इस प्रकार भारत ने चीन को जाने वाले पैसे में करीब $20 अरब की कमी देखने को मिली है। अगर इसे रुपए में जाने तो करीब चीन को भारत से 1.5 लाख करोड़ रुपए का कम व्यापार हुआ है, और ये सीधा सीधा चीन को नुकसान ही है। भारत लगातार चीन को और भी झटके देने की सोच रहा है, और अब भारत के इतना सख्त हो जाने से चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तभी उसके मुखपत्र कहे जाने वाले यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत को सीमा विवाद और व्यापार को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन भी ऐसा नहीं कर रहा है, और जो भारत सरकार ने पिछले 5 से 6 महीने में फैसले लिए हैं वो वापस ले लेने चाहिए। अब ये तो चीन का डर ही है जो उसके अखबारों के जरिए सामने निकल कर आ रहा है। अगर ये चीन का डर है, इसका मतलब भारत ने जितने भी फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भारत को अपनी शक्ति बढ़ाते हुए चीन को तगड़ा जवाब देने की जरूरत है, ताकि चीन आगे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे जरूर।